हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली मैं अभी यमुना नदी के किनारे आया हूं स्नान करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। दोस्तों जो कि दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यमुना मैया का दर्शन कर सकते हैं। यमुना नदी है ये, और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे नाव है, जिसको इंग्लिश में बोट बोलते हैं। और यहाँ पे भैया जी हैं और मेरा दोस्त है। और फाइनली दोस्तों हम लोग तीनों यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, स्नान करने के लिए आए हैं, पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती काफ़ी लोगों को आकर्षित करता है, प्रेरित करता है घूमने के लिए। यहाँ पे दर्शन करने से ही लोगों का एक अच्छा संयोग बनता है लोगों का, जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कभी भी आप लोग यहाँ पे आकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं, यमुना मैया का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं अपना बैग लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से चलता हूँ दोस्तों। और ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अद्भुत नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इधर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गंदगी है और कुछ तो साफ सफाई हुआ है। और इधर देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे आए तो स्नान ज़रूर कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर आपको पूजा पाठ का सामान भी मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखिए फूल मिल जाएगा, बेलपत्र मिल जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, ये देखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गाय को खिलाने के लिए चारा भी मिल जाएगा, आप गाय को खिला सकते हैं चारा। और यहाँ का अद्भुत नज़ारा ये देख सकते हैं, पूरा तरह से हम यमुना का फोटो दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और दोस्तों बाहर में हम कुछ आपको सीन दिखाते हैं। कहाँ जाना है अभी, कहाँ जाना है मुकेश? चलिए अब वहीं निकलेंगे। तो दोस्तों अभी हम जाते हैं फाइनली यमुना नदी पे स्नान कर लिए, और यहाँ के बाद हम कुछ और मंदिरों में घूमने के लिए जाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ होती है, काफ़ी संख्या में। और ये देखिए यहाँ पे सभी लोग माता बहने आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं, यहाँ पे गौ माता का दर्शन भी कर सकते हैं, ये देखिए। और काफ़ी अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, ये देखिए। दोस्तों इधर हम आ चुके हैं यमुना मैया के किनारे में, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद पूरा तरह से आपको फूल बेलपत्र आनी पूजा करने का सभी सामान मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बाबा लोग बैठे हुए हैं, और काफ़ी अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगा हमको, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इधर दोस्तों वृंदावन घूमने का मज़ा, और यहाँ की भक्ति श्रद्धा काफ़ी अद्भुत होती है, जो लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। ये देख सकते हैं इधर दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप लोग नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि दोस्तों ऐसा ऐसा वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और दोस्तों यहाँ पे खास करके लोग राधे राधे लोग बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है, ये देखिए। दोस्तों वृंदावन के गलियों में आप लोग देख सकते हैं कि राधा रानी के दर्शन के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है, जो कि दोस्तों काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। जो और दोस्तों आपको हम पूरा तरह से इस गलियों का नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा तरह से दुकान मिलेगा आपको, खाने पीने का सुविधा मिलेगा, एक कन्हैया का सजावट का सामान मिलेगा, फल फूल मिलेगा, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए फल फलहरी मिठाई सभी प्रकार का आपको सामान मिलेगा। दोस्तों कभी भी आप आते हैं वृंदावन तो इस नज़ारा का काफ़ी आनंद उठाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, अभी हम काली दह जा रहे हैं, और वहाँ पे जाकर वहाँ पे दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में लगातार बने रहिए, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। और दोस्तों यहाँ पे बंदर भी ज़्यादा मात्रा में है, तो बंदर होने के वजह से अब हम अपना वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।
बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों, तो वीडियो को मैं आज करता हूँ। दोस्तों फाइनली मैं यमुना नदी से नहाकर राधा वल्लभ जी महाराज का दर्शन करने के लिए आया हूँ। और दोस्तों आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ का और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का एक खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि वृंदावन के चिरघाट, जी हाँ दोस्तों मैं अभी चिरघाट पे आया हूँ और यहीं पे श्री कृष्ण भगवान गोपियों का वस्त्र को छिपा दिए थे। और ये स्थान को देख सकते हैं, ये कदम का पेड़ है जो कि दोस्तों अभी तक मौजूद है। और दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। और कृष्ण भगवान गोपियों को सबक सिखाए थे कि कभी भी यमुना मैया में नंगा शरीर में नहीं नहाना है बल्कि वस्त्र के साथ नहाना है, इसलिए वह गुस्सा से उनका वस्त्र को छिपा दिए थे।